नमस्कार। आप सभी ने अध्याय 11 में भाग 6 तक पढ़ा। भाग 6 में आपने लंबी दूरी तक जल का परिवहन पढ़ा, फिर आपने मूल दाबवाद पढ़ा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के बारे में समझा, फिर आपने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को पढ़ा, फिर वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना। अब आता है भाग 7, जो कि इस अध्याय का आखिरी भाग होगा और इसमें उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे क्वेश्चन किए गए थे भाग 6 में, उसके आंसर्स देखेंगे। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन किया गया था, रसारोहण प्रक्रिया किसे कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप किसे कहते हैं। तो रसारोहण यानी पौधों के वायवीय भागों में जड़ द्वारा घोलित खनिज युक्त जल का परिवहन रसारोहण यानी एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन किया गया था कि मृदा जल को मूल रोम से होते हुए कौन कौन सी कोशिका से होते हुए जाइलम तक पहुँचता है, यानी मृदा जल किन किन जीवित कोशिकाओं से होते हुए जाइलम तक पहुंचता है। तो मैंने आपको बताया था इसका सीक्वेंस कि मृदा जल मूल रोम से एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस यानी वाह्यत्वचा, वाह्यत्वचा से फिर कॉर्टेक्स यानी वल्कुट की कोशिका में, और वल्कुट की कोशिका से एंडोडर्मिस यानी अंतस्त्वचा में पहुंचता है, और अंतस्त्वचा से परिरंभ यानी पेरिसाइकिल में, और पेरिसाइकिल से प्रोटोजाइलम और फिर मेटाजाइलम तक पहुंचता है। ये होता है मृदा जल का जाइलम तक पहुंचने का रास्ता। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, मूल दाबवाद किसने दिया था, रूट प्रेशर थ्योरी। तो मूल दाबवाद दिया था प्रिस्टले ने सन 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था कि पत्तियों के शीर्ष पर उपस्थित जल रंध्र के माध्यम से जल का बूंद के रूप में निकलना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा बिंदु श्रावण यानी गटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि ससंजनवाद व वाष्पोत्सर्जन खिंचाव वाद किसने दिया था। तो ससंजनवाद और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव वाद दिया था डिक्सन और जॉली ने, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि रंध्र किस समय खुले होते हैं, किस समय बंद होते हैं। तो रंध्र दिन के समय खुले होते हैं और रात्रि के समय बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि रक्षक को रंध्र का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिका की किस अवस्था पर निर्भर करता है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिका की स्फीत दशा पर डिपेंड करता है। जब रक्षक कोशिका स्फीत होते हैं यानी फूले हुए होते हैं तो रंध्र का छिद्र खुला होता है, और जब रक्षक कोशिकाएं स्फीत दशा में होती हैं तो बंद हो जाता है, रंध्र का छिद्र बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि जल के अणुओं में आपस में आकर्षण क्या कहलाता है। तो जल के अणुओं का आपस में आकर्षण कहलाता है ससंजन बल। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि जल के अणुओं का दूसरे सतह से आकर्षण क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा आसंजन बल। बस इतने क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके आंसर आपको बता दिए। अब आता है भाग 7 का टॉपिक। तो भाग 7 में आपको थोड़ा सा वाष्पोत्सर्जन के बारे में और बताया जाएगा। जैसे आपने पढ़ा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब वाष्पोत्सर्जन में जल का वाष्प के रूप में निकलना ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और भी उद्देश्य निहित होते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है उसमें और भी उद्देश्य निहित होते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो इससे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बनता है, जिसकी वजह से मृदा से जल ऊपर की तरफ खींचता है। अब मृदा जल खींचता है तो उसके साथ साथ खनिज तत्व भी खींचता है, और जब जल ऊपर पहुंचता है यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का आपको रिएक्शन याद होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए पौधों को, साथ में जल भी चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक जल होता है वह भी उपलब्ध हो जाता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। ठीक है, तो यानी कुछ और भी महत्व हैं वाष्पोत्सर्जन के, तो उसे आप लिखेंगे, आप अगले लाइन से लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन क्रिया में अन्य उद्देश्य भी निहित होते हैं जो निम्न है। पहला, पौधों में अवशोषण वा परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का उत्पन्न होना, यानी पौधों में जो जल या खनिज तत्व हैं उनके अवशोषण और परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा होता है, किसके कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण।
दूसरा प्रकाश संश्लेषण के लिए जल उपलब्ध कराना, वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। तीसरा मृदा से खनिजों का अवशोषण करके पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। चौथा पत्तियों की सतह पर वाष्पीकरण होता है, वहीं पर वाष्प बनकर जल निकलता है, जिससे पत्ती की सतह क्या होती है, ठंडा होता है। यानी पत्तियों की सतह पर वाष्पीकरण करके सतह को 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखना, पत्तियों की सतह को ठंडा रखने का कार्य करता है। आखिरी पौधों की कोशिकाओं को स्फीति बनाए रखकर कोशिकाओं को स्फीति बनाए रखकर पौधों के आकार व बनावट को नियंत्रित रखना। ये इतने और उद्देश्य होते हैं वाष्पोत्सर्जन के, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तो जो होती है उसके साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण भी इतने और भी चीज़ें होती हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों में अवशोषण और परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल उपलब्ध हो जाता है, मृदा से खनिज का अवशोषण, जब जल अवशोषित होगा तो खनिज भी साथ में अवशोषित हो जाते हैं, पत्तियों की सतह पर वाष्पीकरण होता है जिसकी वजह से उसका सतह 10 से 15 डिग्री सेल्सियस ठंडा रहता है, कोशिकाओं को स्फीति बनाए रखता है, स्फीति का मतलब कोशिकाएं जल के कारण फूली हुई होती हैं और उसी से उसका शेप बना होता है, जब कोशिकाओं का आकार बना रहेगा तो उससे शरीर की बनावट भी बनी रहती है। ये था वाष्पोषण क्रिया के अन्य उद्देश्य, तो आप इसको नोट कर लेंगे जैसे लिखा हुआ है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पौधों में खनिज पोषकों का संग्रहण एवं उद्ग्रहण का मतलब होता है अपटेक, यानी ऊपर की तरफ खींचना, इसे कहते हैं अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, खनिज पोषकों का उद्ग्रहण एवं संचरण। अब आपको याद रखना होगा कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन व ऑक्सीजन की पूर्ति वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। ठीक है, पौधे अपने कार्बन और अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, बाकी जो शेष खनिज पोषक हैं उनका अवशोषण मृदा से जल के माध्यम से होता है और खनिज के अवशोषण के माध्यम से होता है। यानी अगर आप देखें पौधे को हाइड्रोजन की आवश्यकता जो पड़ती है उसकी पूर्ति कहाँ से होता है, तो हाइड्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति मृदा से अवशोषित जल द्वारा होता है, H2O जल द्वारा होता है, व अन्य खनिज भी अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तीन महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनके माध्यम से पौधे जीवित रहते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा का
भरपूर्ति ये वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, हाइड्रोजन की पूर्ति ये मृदा जल से करते हैं और अन्य खनिज भी अवशोषित करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको घुमा सकता है। अभी जो मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन, याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण में बहुत सारे रिएक्शन है, जो फाइनल रिएक्शन होता है वो यही होता है, 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 गैस। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, ये किसका रिएक्शन है? प्रकाश संश्लेषण का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण का कंप्लीट रिएक्शन बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाले ऑक्सीजन गैस, निकलने वाला ऑक्सीजन गैस कहाँ से आता है? बिना सोचे लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाला ऑक्सीजन गैस कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या जल से आता है? तो इसका सही उत्तर होता है कि जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से आता है, जल से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अब यहाँ पर चूंकि हमने आपको बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन की पूर्ति कहाँ से करता है, CO2 से, तो इसलिए आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। ये तो सत्य है कि पौधे अपने कार्बन और ऑक्सीजन की अधिकतर जो पूर्ति है वो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन गैस निकलता है या ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, ऑक्सीजन जो निकलता है वो कहाँ से आता है, जल के अणु से। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया, याद कर डालिए कि प्रकाश संश्लेषण में, पहले तो आप रिएक्शन याद करिए, प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाला ऑक्सीजन गैस जल से आता है। आपने जाना कि प्रकाश पौधे कार्बन और ऑक्सीजन की पूर्ति वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, हाइड्रोजन की पूर्ति मृदा से अवशोषित जल से करते हैं, और भी अन्य खनिज तत्वों का ये अवशोषण करते हैं। तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे पहले खनिज पोषकों का उद्ग्रहण एवं संचरण, अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनका अपटेक करते हैं और किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। अभी आप ऐसे लिखेंगे कि पौधे अपने कार्बन व अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा को वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। फिर लिखेंगे हालांकि अन्य खनिज पोषक जैसे हाइड्रोजन की पूर्ति मृदा से अवशोषित जल द्वारा होती है तथा अन्य खनिजों के माध्यम से अपना खनिज पोषक बनाए रखते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक खनिज आयनों का उद्ग्रहण यानी अपटेक ऑफ मिनरल आयन्स। जैसे कि आपने पढ़ा कि पौधों में जल मृदा में से मूल रूप से वाहतोचा से कॉर्टेक्स से अंतस्त्वचा और फिर परिरंभ से होता हुआ जाइलम तक पहुंचता है, लेकिन जो खनिज आयन होते हैं वो जल के समान ट्रांसफर नहीं होते हैं। अब इसका दो रीज़न होता है, एक तो ये कि जो खनिज होते हैं वो आवेशित रूप में होते हैं, इस वजह से वह मूल रूप की कोशिका भित्ति को पार नहीं कर पाते हैं। दूसरा, मृदा में खनिज आयनों की जो सांद्रता है वह जड़ में उपस्थित कोशिका द्रव में उपस्थित खनिजों की सांद्रता से कम होती है, तो अब विसरण भी नहीं लगेगा क्योंकि कम से अधिक की तरफ तो जाएगा नहीं। दूसरा, कोशिका भित्ति को पार नहीं कर पा रहा क्योंकि आवेशित रूप में है। तो अब चूंकि इन खनिजों का उपयोग पौधों में होता है, अब ये कैसे पौधे इसे खींचें? तो यहाँ पर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, पौधों की जो जड़ में उपस्थित मूल रोम या अन्य कोशिकाएं हैं वो इन खनिजों को ऊर्जा का प्रयोग करके खींचती हैं, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध यानी सक्रिय परिवहन होता है। जल का अवशोषण कैसे होता है? निष्क्रिय परिवहन, विसरण के द्वारा, सिंपल वो चला जाता है, उसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती जल के परिवहन में, लेकिन खनिज आयनों के परिवहन में ऊर्जा का खर्च होता है, ऊर्जा खर्च होती है ATP के रूप में। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जल और खनिज दोनों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से। आइए समझते हैं।
मैंने आपको बताया था कि जो जाइलम होता है उसमें जल पहुंचता है कुछ कोशिकाओं के माध्यम से जाइलम के निकट। जो कोशिका होती है वो है परिरंभ यानी पेरिसाइकल। पेरिसाइकल का के पहले जो कोशिका होती है वो है एंडोडर्मिस यानी अंतस्थ त्वचा और अंतस्थ त्वचा के पहले जो कोशिका होती है वो है कॉर्टेक्स। ये है वलकुट की कोशिका यानी कॉर्टेक्स, इंग्लिश में कॉर्टेक्स। अंतस्थ त्वचा यानी एंडोडर्मिस, परिरंभ यानी पेरिसाइकल, जाइलम तो जाइलम ही है। बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस और इससे लगा होता है मूल रोम। ठीक है, तो जो खनिज है, खनिज इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्योंकि खनिज भी जाइलम के माध्यम से आते हैं। तो चूंकि खनिज का जो अवशोषण है वो जल की तरह नहीं होता, क्योंकि जल निष्क्रिय रूप से जाते हैं, खनिज निष्क्रिय रूप से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसके दो रीज़न होता है। पहला ये रीज़न होता है कि खनिज आयन मृदा में आवेशित रूप में होते हैं, आवेशित रूप में होते हैं, अतः ये कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते, कोशिका भित्ति को पार नहीं कर पाते। दूसरा, किसकी कोशिका भित्ति को पार नहीं कर पाते, मूल रोम की, मूल रोम की कोशिका भित्ति को पार नहीं कर पाते। दूसरा, मृदा में खनिज आयनों की सांद्रता जड़ की कोशिकाओं की सांद्रता से कम होता है, सांद्रता से कम होता है। अब आप बताइए, खनिज कोशिका भित्ति को पार नहीं कर पाएंगे, कोशिका भित्ति को पार नहीं कर पाएंगे। दूसरा रीज़न कि मृदा में, ये मृदा है, यहाँ पर खनिज का जो सांद्रता है वो क्या है, कम है, और यहाँ पर खनिज की सांद्रता अधिक है, तो विसरण भी नहीं लगेगा, क्योंकि विसरण तो क्या होता है, अधिक से कम की तरफ जाता है, कम से अधिक की तरफ कभी नहीं जाएगा। तो अब चूंकि पौधों को खनिज और चाहिए, तो इसके लिए पौधे क्या करते हैं, इसके लिए पौधे ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। और सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध, आपको मैंने बताया था कि सक्रिय परिवहन क्या कहलाता है, सक्रिय परिवहन का मतलब यह होता है कि किसी भी आवश्यक पदार्थों को उसकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध ऊर्जा का प्रयोग करके खींच लेना सक्रिय परिवहन कहलाता है। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो जो मूल रोम होती है, यह है मूल रोम, तो मूल रोम की जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, वो कोशिका झिल्ली, पहली बात तो ये ऊर्जा का प्रयोग करके कोशिका भित्ति को पार करती है और फिर पहुंचती है कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली में विशिष्ट प्रोटीन पाया जाता है, मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट प्रोटीन क्या करती है, कुछ अणुओं का आवागमन कराती है, तो ये विशिष्ट प्रोटीन ऊर्जा का प्रयोग करके इन अणुओं को अंदर भेजती है, यानी मूल रोम के जीवद्रव्य में आता है।
फिर वही प्रक्रिया वाह त्वचा में होती है। वाह त्वचा में भी ऊर्जा का प्रयोग करके ये खनिज अंदर की तरफ भेजे जाते हैं और फिर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भी फिर वही ऊर्जा का प्रयोग करके सक्रिय परिवहन के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका और फिर अंततः जाइलम तक पहुँचाई जाती है। ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि खनिज का अवशोषण सिर्फ और सिर्फ सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है, नहीं, कुछ मात्रा में ऐसा होता है। कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनका अवशोषण सक्रिय परिवहन के माध्यम से होता है, कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनका परिवहन सक्रिय माध्यम से होता है यानी ऊर्जा का प्रयोग करके होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी आयन होते हैं जो जल में घुलकर निष्क्रिय परिवहन के माध्यम से भी पहुंच जाते हैं। यानी जाइलम में जो खनिज है वो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों परिवहन के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि खनिज आयनों का उद्ग्रहण यानी कैसे खनिज आयन जाइलम तक पहुंचता है। तो आपने जाना कि खनिज चूँकि जल के समान ये निष्क्रिय रूप से नहीं पहुँचते हैं, कुछ मात्रा में पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी खनिज आयन होते हैं जो ज़्यादातर सक्रिय परिवहन के माध्यम से पहुंचते हैं, ऊर्जा का प्रयोग करके सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध भेजे जाते हैं। अब रीज़न क्या है कि आखिर खनिज क्यों नहीं अंदर जा सकते हैं? तो चूंकि खनिज आयन मृदा में आवेशित रूप में होते हैं अतः ये कोशिका भित्ति को पार नहीं कर पाते हैं। दूसरा, मृदा में खनिज आयनों की सांद्रता जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित खनिज से कम होती है, इस वजह से भी विसरण के माध्यम से भी नहीं जा पाते, अतः इन पौधों को खनिज चाहिए तो ये ऊर्जा का प्रयोग करके ज़बरदस्ती अंदर भेजते हैं और इसी तरीके से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ये ऊर्जा का प्रयोग करके भेजते भेजते आखिर तक जाइलम तक पहुँचा देते हैं। बस आप इतना हेडिंग डाल के लिखेंगे खनिज आयनों का उद्ग्रहण, लिखेंगे कि जल के समान खनिज आयनों का उद्ग्रहण निष्क्रिय रूप से नहीं हो पाता। इसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, खनिज आयन मृदा में आवेशित रूप में होते हैं अतः ये मूल रूप की कोशिका भित्ति को पार नहीं कर पाते। दूसरा, मृदा में खनिज आयनों की सांद्रता जड़ की कोशिकाओं की सांद्रता से कम होती है, इसलिए अधिकतर खनिज जड़ों की बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में सक्रिय अवशोषण द्वारा प्रवेश करते हैं। इसमें ATP के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लिखेंगे, मूल रूप की कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला विशिष्ट प्रोटीन आयनों को सक्रिय पंप द्वारा अवशोषित करके बाह्य त्वचा की कोशिका द्रव्य में भेजती है और बाह्य त्वचा से खनिज वलकुट से अंतस्थ त्वचा परिरंभ से होते हुए जाइलम तक पहुंचता है। ठीक है, ये हो गया खनिज आयनों का उद्ग्रहण कैसे होता है, खनिजों का उद्ग्रहण कैसे होता है, जाइलम तक कैसे पहुँचता है। अब आप पढ़ेंगे कि जाइलम से पौधे के अन्य भागों में कैसे पहुँचते हैं। तो आपको बताया गया कि जाइलम से अन्य भागों या ऊपरी भागों तक पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है खनिज आयनों का स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन्स। Translocation of mineral ions। यानी हम देखेंगे कि किस प्रकार से जाइलम में जब खनिज पहुंच जाता है तब फिर जाइलम उसे ऊपर किस माध्यम से भेजता है। ठीक है, एक बार जब खनिज यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ पर याद रखेंगे कि खनिज जाइलम में चाहे निष्क्रिय या सक्रिय परिवहन के द्वारा या फिर दोनों की सम्मिश्रित प्रक्रिया के द्वारा जब जाइलम में पहुंचती है तो जाइलम से पौधों के अन्य तने या अन्य शाखाओं में जो खनिजों का प्रवाह होता है वो वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, तो चूंकि वाष्पोत्सर्जन का प्रवाह किस तरह लगता है, ऊपर की तरफ पत्तियों पर वाष्पोत्सर्जन होता है और वहीं से खिंचाव पैदा होता है, तो जाइलम से यानी नीचे जाइलम से वो खींचकर ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी जाइलम में पहुंचा हुआ जो खनिज है चाहे वो निष्क्रिय माध्यम से पहुंचा है चाहे सक्रिय माध्यम से पहुंचा है या दोनों के सम्मिश्रित प्रक्रिया के द्वारा पहुंचा है, अब जो जाइलम में खनिज पहुंचा है वो ऊपर की तरफ वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे जब आयन सक्रिय या निष्क्रिय उद्ग्रहण से या दोनों के
सम्मिश्रित प्रक्रिया से जाइलम में पहुंच जाता है। तब इनका परिवहन पादप तनों व अन्य भागों में वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के कारण के माध्यम से होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है, ठीक है। याद रखेंगे कि जो आयन है वो जब सक्रिय या निष्क्रिय खनिज आयन, वो खनिज आयन जो सक्रिय और निष्क्रिय रूप से या दोनों की सम्मिश्रित प्रक्रिया से जाइलम तक पहुंच गए हैं, अब उनका परिवहन पादप के अन्य भागों तनों में वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है, यानी ट्रांसपरेशनल पुल के माध्यम से ऊपर की ओर खींचता है। खनिज तत्वों का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो खनिज तत्वों का जो मुख्य कुंड होता है, कुंड का मतलब वह स्थान जहाँ पर वो चीज़ प्रयोग की जाती है, तो खनिज तत्वों का जो मुख्य कुंड होता है, कुंड को इंग्लिश में सिंक कहते हैं, तो खनिज तत्वों का मुख्य कुंड पौधों का वृद्धि क्षेत्र होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं? जैसे पौधे का शिखागर यानी सबसे ऊपरी भाग, चाहे तने का हो गया चाहे जड़ का हो गया, जो सबसे टिप का भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, उसे हम शिखागर कहते हैं। शिखागर हो गया, पार्श्व विभज्योतक हो गया, तरुण पत्तियाँ जो नई पत्तियाँ बनती हैं उनमें खनिजों की आवश्यकता होती है, विकासशील फूल फल बीज और भंडारण अंग में खनिजों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि खनिजों के लिए मुख्य कुंड, कुंड मतलब जहाँ पर खनिज प्रयोग किया जाएगा, खनिज जहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, तो खनिजों के लिए मुख्य कुंड पौधों के वृद्धि क्षेत्र होते हैं, वृद्धि क्षेत्र होते हैं, जैसे शिखाग्र यानी एपेक्स, दूसरा पार्श्व विभज्योतक, इसको एपेक्स या लैटरल मेरिस्टम भी कह सकते हैं, शिखाग्र या पार्श्व विभज्योतक, कॉमा तरुण पत्तियाँ जो नई पत्तियाँ निकल रही होती हैं उसे हम तरुण या नवीन पत्तियाँ कहते हैं, वहाँ पर भी खनिजों की आवश्यकता होती है। विकासशील फूल यानी जो अभी विकसित हो रहे फूल हैं उनमें, विकासशील फूल कॉमा फल एवं बीज तथा भंडारण अंग हैं। भंडारण अंग जहाँ पर खनिज एकत्रित होते हैं, संचित किए जाते हैं, मुख्य रूप से जड़ होता है और कुछ तने रूपांतरित होकर भंडारण का कार्य करने लगते हैं। तो खनिज आयनों का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से। कैसे? वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से, यानी जब आयन सक्रिय निष्क्रिय उद्ग्रहण से दोनों या दोनों के सम्मिश्रित प्रक्रिया से जब खनिज जाइलम तक पहुँचते हैं, तो जाइलम ऊपर की तरफ खनिजों को वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से भेजता है। अब इन खनिजों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इन खनिजों का प्रयोग पौधों के कुछ वृद्धि क्षेत्र जैसे शिखाग्र तथा पार्श्व विभज्योतक यानी एपेक्स एंड लैटरल मेरिस्टम्स में, तरुण पत्तियों में यानी नई विकसित पत्तियों में, और विकासशील फल फूल बीज और भंडारण अंगों तक इनका प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे कि कुछ और बातें हैं, जैसे जो पत्तियाँ होती हैं पुरानी पत्तियाँ जो गिरने वाली हैं, मर के गिरने वाली पत्तियाँ हैं, वो क्या करती हैं? मर के गिरने से पहले उनमें संचित जो खनिज आयन होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर देती हैं अन्य भागों में। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या पुरानी पत्तियाँ गिरने से पहले आयन को किसी अन्य पत्ती में स्थानांतरित करती हैं या नहीं? तो याद रखेंगे, पुरानी पत्तियाँ गिरने से पहले अपने अंदर संचित खनिज आयन को अन्य पत्तियों में ट्रांसफ़र कर देती हैं। इसी तरीके से जब पतझड़ का मौसम आता है तो पतझड़ के समय सारी पत्तियां पौधों से गिर जाती हैं,
तो गिरने से पहले वे पत्तियां अपने अंदर संचित खनिज तत्वों को पौधों के तनों में भेज देती हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट करेंगे। अगले लाइन से लिखेंगे, इतना दिखने के बाद अगले लाइन से लिखेंगे, खनिज आयनों को जल्दी ही पुनः संगठित विशेष रूप से पुराने जरावस्था वाले भाग से किया जाता है। आगे लिखेंगे, पुरानी तथा मरती हुई कोशिका अपने अंदर संचित आयनों को नई पत्तियों में स्थानांतरित कर देती हैं। ठीक इसी तरह से पत्तियां पर्णपाती वृक्ष से झड़ने के पहले अपने अंदर संचित खनिजों को पौधों के अन्य भागों को दे देती हैं। वे पदार्थ जो प्रायः त्वरित संगठित होते हैं वे हैं, लिखेंगे आगे, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। यानी फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम यही ऐसे मुख्य तत्व हैं जो तुरंत किसी भी गिरने वाले पत्ती से स्थानांतरित हो जाते हैं किसी अन्य पत्ती में। एक तत्व जो नहीं संगठित होता पुनः संगठित नहीं होता, यानी एक ऐसा तत्व है जो पत्ती के गिरने के साथ साथ वो भी अलग हो जाता है, वो वापस पौधे के दूसरे अन्य भागों में नहीं जाता, वो है कैल्शियम। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराने या जरावस्था वाली पत्तियों से कौन सा आयन स्थानांतरित नहीं होता, तो वो है कैल्शियम। तो आप इतना लिखेंगे कि वे पदार्थ जो प्रायः त्वरित संचारित या संगठित होते हैं वे हैं फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन व पोटेशियम। परंतु कुछ तत्व जो कि संरचनात्मक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, इनका पुनः संगठन नहीं होता। ये हो गया जाइलम के द्वारा जल और खनिजों का अवशोषण। आपने पढ़ा जाइलम के द्वारा जल और खनिज का अवशोषण होता है, फिर आपने पढ़ा जाइलम के द्वारा जल का निष्क्रिय अवशोषण होता है जबकि खनिजों का सक्रिय और निष्क्रिय दोनों रूप से अवशोषण किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के द्वारा किस प्रकार से जो कार्बनिक पदार्थ पत्तियों में बनते हैं वे स्रोत से कुंड की तरफ कैसे जाते हैं। इससे पहले हमें स्रोत और कुंड के बारे में समझना होगा। अगला टॉपिक आता है आपका फ्लोएम परिवहन। उद्गम से कुंड, ओर प्रवाह यानी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। हम देखेंगे किस प्रकार से फ्लोएम में परिवहन होता है। आपने जाना है कि फ्लोएम के माध्यम से किसका परिवहन होता है, कार्बनिक पदार्थों का। मुख्य रूप से जो पत्तियों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में शर्करा बनती है उसी का ट्रांसफर होता है। तो हम देखेंगे कि जो पौधे हैं उनमें आहार क्या है। तो पौधों में आहार होता है शर्करा। यह शर्करा वाहिका ऊतक यानी संवहनी ऊतक के फ्लोएम के माध्यम से उद्गम से कुंड की तरफ परिवहनित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि आहार मुख्यतः शर्करा यानी सुगर वाहिका ऊतक वैस्कुलर टिश्यू के फ्लोएम द्वारा, फ्लोएम के माध्यम से स्रोत से कुंड की ओर परिवहनित किए जाते हैं। पौधों का आहार क्या है, पौधों का आहार है शर्करा यानी सुगर। तो इस शर्करा का परिवहन कौन करता है, वाहिका ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू का फ्लोएम। वैस्कुलर टिश्यू में दो होते हैं ना, जाइलम और फ्लोएम। तो जो आहार है यानी शर्करा का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम के माध्यम से होता है। कहाँ से कहाँ तक, स्रोत से कुंड तक। अब यहाँ पर समझना ये है कि स्रोत और कुंड क्या होते हैं। तो सामान्य रूप से स्रोत पौधे का वह भाग होता है जहाँ पर आहार संश्लेषित होता है। ठीक है, स्रोत पौधे का वह भाग होता है जहाँ पर आहार संश्लेषित होता है यानी बनता है।
तो शर्करा कहाँ बनता है? पौधों की पत्तियों में। तो पत्तियाँ क्या हुई? स्रोत हुई। ठीक है, शर्करा का स्रोत कौन हुआ? पत्तियाँ, क्योंकि पत्तियों में ही इसका संश्लेषण होता है। कुंड क्या माना जाता है? तो कुंड पौधे का वह भाग माना जाता है जहाँ पर आहार का प्रयोग हो या उसका भंडारण हो, संचित हो। आहार का प्रयोग या भंडारण हो, उसे हम पौधे का क्या मानते हैं? कुंड मानते हैं। जैसे जड़, ठीक है, और भी स्थान है, फल, फूल, तने, यहाँ पर भी शर्करा का प्रयोग होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक लेंगे कि आहार का भंडारण कहाँ होता है, जड़ में होता तो रूपांतरित तने में भी है, लेकिन अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक आपको स्रोत और कुंड को बताने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। स्रोत क्या होता है? स्रोत मतलब जहाँ पर शर्करा बनता है। तो पौधे में शर्करा कहाँ बनता है? पत्तियों में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट होता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मिलकर बनाते हैं शर्करा, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज बनता है वो फ्रक्टोज से जुड़कर शर्करा यानी डाइसैकेराइड बनाता है। शर्करा इज ए सुगर इज ए डाइसैकेराइड। शर्करा क्या है? एक डाइसैकेराइड अणु है। तो इसी शर्करा का बनना कहाँ पर होता है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और यही फिर शर्करा पत्ती से अन्य भागों में जाती है। तो जहाँ पर जाता है उसे हम कुंड कहते हैं और जहाँ पर बनता है उसे हम स्रोत कहते हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे कुंड की ओर परिवर्णित किए जाते हैं, आगे लिखेंगे सामान्यतः स्रोत को पौधों का वह हिस्सा माना जाता है जहाँ आहार संश्लेषित होता है, जैसे पत्तियाँ। फिर आगे लिखेंगे तथा कुंड को पौधे का वह भाग माना जाता है जहाँ पर आहार एकत्रित या संचित होता है, जैसे जड़। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, स्रोत और कुंड मौसम के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? देखिए, जब पौधों पर पत्तियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, पौधों पर पत्तियाँ लगी हुई हैं, तब तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या हो रहा है? शर्करा का निर्माण हो रहा है। लेकिन पतझड़ के मौसम में जब पत्तियाँ पौधों से गिरकर अलग हो जाती हैं, तब उनमें आहार कैसे उपलब्ध होता है? अभी देखिए, अभी इसमें पत्तियाँ पाई जा रही हैं, पौधों में पत्तियाँ पाई जा रही हैं, ठीक है। तो पत्तियों में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश संश्लेषण होगा तो इसमें शर्करा का निर्माण होगा, ठीक है। शर्करा निर्माण होगा यानी पत्ती अभी क्या कहलाएगी? स्रोत कहलाएगी, है ना, क्योंकि शर्करा का निर्माण हो रहा है। मैंने आपको यही बताया कि वह भाग जहाँ पर शर्करा का निर्माण होता है वह स्रोत कहलाता है। पत्ती में शर्करा बना और शर्करा फिर स्थानांतरित होगा फ्लोएम के माध्यम से पौधों के अन्य भागों में यानी जड़ों में जाएगा। जड़ों में आपको बताया गया एकत्रित होता है, जड़ों में एकत्रित होता है। अभी ये क्या कहलाएगा? कुंड कहलाएगा यानी सिंक, क्योंकि यहाँ पर शर्करा एकत्रित हो रही है। आपको बताया गया कि जहाँ पर एकत्रित होता है वह क्या कहलाता है? कुंड कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर शर्करा बनता है वह स्रोत और जहाँ पर एकत्रित होता है वह कुंड कहलाता है। ऐसा कब कहलाएगा? जब पत्ती पौधे पर उपस्थित हो। लेकिन तब क्या होगा? जब पतझड़ हो जाता है। देखिए, पतझड़ में जब पौधों पर कोई भी पत्ती नहीं रह जाती है, उस कंडीशन में जो नई कलियाँ हैं, पौधों की नई कलियाँ हैं, उनको तो भोजन चाहिए, आहार चाहिए, शर्करा चाहिए। तब क्या होता है? देखिए, सामान्य रूप से जब पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा शर्करा बनती है तो वो शर्करा इकट्ठा हो जाती है कुंड में यानी जड़ में। तो जब आवश्यकता होती है पौधों को
शर्करा की, तो फिर से जड़ द्वारा वो ऊपर चला जाता है, यानी जब इन पर कोई पत्तियां नहीं हो। पत्तियां पतझड़ के कारण क्या हो गई? पतझड़ के कारण गिर गई। अब यहाँ पर तो कोई स्रोत नहीं बचा ना, स्रोत बचा नहीं बचा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जड़ में, जब इनके पास पत्तियाँ थीं तो जड़ में इन्होंने एकत्रित कर रखा था शर्करा को एकत्रित कर रखा था ना। अब यही काम आएगा, यानी यही शर्करा अब ऊपर जाएगा और इन पौधों के तनों को खनिज उपलब्ध कराएगा। तो बताइए अब स्रोत कौन हुआ? जब पौधों पर पत्तियां नहीं हैं तब शर्करा का स्रोत कौन हुआ? जड़ हुआ, उल्टा हो गया ना। और प्रयोग कहाँ की जा रही है? पत्तियों में, नवीन नई बनी पत्तियां जो निकल रही हैं उसमें इन शर्करा का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुंड कौन हो गया? पत्ती हो गया। ध्यान से समझिएगा, जब पौधों पर पत्तियां पाई जाती हैं तो पत्तियां स्रोत होती हैं और जड़ कुंड होते हैं, लेकिन जब पतझड़ में पत्तियां गिर जाती हैं तो उल्टा हो जाता है, जड़ कुंड नहीं जड़ स्रोत बन जाता है और पत्तियां कुंड का कार्य करती हैं। समझ में आया? इसको बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो खनिज ऊपर से पत्ती से नीचे यानी जड़ की तरफ आती हैं। इनका डायरेक्शन क्या हुआ? ऊपर से नीचे। लेकिन उसी पौधे में जब पत्तियां झड़ जाती हैं तो जड़ से शर्करा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और जो शर्करा है किसके माध्यम से जाता है? फ्लोएम के माध्यम से। तो फ्लोएम में जो शर्करा है उसकी गति की दिशा क्या हुई? बहुदिशात्मक हो गया। यानी ये पत्ती से नीचे भी जा सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है, यानी फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन होता है, वो क्या होता है? बहुदिशात्मक यानी मल्टी डायरेक्शनल होता है। और आपको बताया गया है इसके विपरीत जो जाइलम के द्वारा परिवहन होता है, जाइलम के द्वारा परिवहन हमेशा एक दिशात्मक होता है, फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड अनदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जाइलम के द्वारा जो परिवहन है वो एक दिशात्मक होता है, जड़ से तने की तरफ। बस यही समझाना था आपको कि फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन होता है वो बहुदिशात्मक होता है और जाइलम के द्वारा जो परिवहन होता है वो एक दिशात्मक होता है। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? कैसे ये पॉसिबल होता है? तो जब पौधे पर पत्तियां पाई जाती हैं तो पत्तियां स्रोत का कार्य करती हैं, जड़ कुंड का कार्य करता है, लेकिन जब पौधों पर पत्तियां नहीं पाई जाती हैं तो पत्तियां कुंड का कार्य करती हैं और जड़ स्रोत का कार्य करते हैं। यह दर्शाता है कि फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन होता है शर्करा का वह बहुदिशात्मक होता है। तो आगे आप लिखेंगे कि जहाँ आपने लिखा कि कुंड की ओर परिवहनित किए जाते हैं और फिर आपने लिखा कि सामान्यतः स्रोत वह भाग होता है जहाँ पर आहार संश्लेषित होता है और कुंड वह भाग होता है जहाँ पर वह प्रयोग या संचित किए जाते हैं। आगे लिखेंगे कि लेकिन यह स्रोत और कुंड मौसम एवं जरूरतों के अनुसार बदल भी सकते हैं। आगे लिखेंगे जड़ों में एकत्र की गई शर्करा बसंत के आरंभ में आहार का स्रोत बन जाती है। जब बसंत का आरंभ होता है, जब पत्तियाँ निकल जाती हैं, नई पत्तियाँ जब निकलने होती हैं बसंत के आरंभ में, तो बसंत के आरंभ में जड़ शर्करा का स्रोत हो जाती है यानी आहार का स्रोत हो जाती है। और इस समय पादपों की जो नई कलियां हैं जिनसे पत्तियां या फल फूल जो भी निकलना है वो किसका काम करती हैं? कुंड का। तो लिखेंगे और इस समय पत्तियों पर नई कलियां कुंड का कार्य करती हैं। आगे लिखेंगे अर्थात स्रोत और कुंड का संबंध परिवर्तनशील है, अतः गति की दिशा ऊपर या नीचे की ओर अर्थात दो तरफा हो सकती है। आगे लिखेंगे जाइलम के साथ यह विपरीत है जहाँ गति सदैव नीचे से ऊपर की ओर होता है। लिखेंगे यद्यपि वाष्पोत्सर्जन का जल एक तरफा प्रवाह करता है किंतु फ्लोएम के रस में भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में हो सकता है, अतः फ्लोएम के द्वारा गति बहुत दिशात्मक होती है जबकि जाइलम के द्वारा गति एक दिशात्मक होती है। अगले लाइन से लिखेंगे फ्लोएम में उपस्थित रस में अर्थात फ्लोएम रस में मुख्यतः जल व शर्करा होता है, साथ ही साथ अन्य हार्मोन व अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक कि किस प्रकार से फ्लोएम शर्करा को अन्य भागों में स्थानांतरित करता है, हम प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो फ्लोएम के द्वारा जो फ्लोएम रस का परिवहन है उसके संदर्भ में जो परिकल्पना प्रस्तुत की गई है वह है दाब प्रवाह परिकल्पना।
जो कि मुंच ने दिया था 1927 में, और इसे हम मुंच परिकल्पना भी कह सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्या है, फिर हम मुंच का प्रयोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका दाब प्रवाह परिकल्पना, इसे हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस और मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं, या इसे हम मुंचस हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि मुंच ने दिया था। अब इसे आप चाहे मुंच पढ़िए चाहे मंच पढ़िए, वो आपके ऊपर है। बुक में मुंच ही लिखा है, आपने खाया होगा मंच, इसलिए आप मंच ही पढ़ोगे। 1927 में यह परिकल्पना दी थी। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से फ्लोएम के माध्यम से शर्करा स्रोत से कुंड तक पहुंचता है। मैंने आपको बताया कि पत्ती क्या होती है, स्रोत का कार्य करती है, शर्करा का स्रोत, क्योंकि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पत्ती में ग्लूकोज बनता है पत्ती की कोशिकाओं में, या ग्लूकोज तुरंत ही शर्करा में परिवर्तित कर दिया जाता है पत्ती की कोशिका द्वारा। अब पत्ती की कोशिकाओं में, यानी आप अगर देखें यहाँ पर कुछ कोशिकाएं मैं बना दूं, मान लो ये कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, हालांकि इतनी बड़ी बड़ी कोशिका होती नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। पत्ती की कोशिका में जब शर्करा का निर्माण होता है तो ये शर्करा के निर्माण के कारण इन कोशिकाओं में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये शर्करा एक कोशिका से होते हुए दूसरी कोशिका में सक्रिय परिवहन के माध्यम से भेजे जाते हैं, सक्रिय परिवहन के माध्यम से भेजे जाते हैं, और कहाँ चले जाते हैं, फ्लोएम में, यानी स्रोत से, पत्ती से कुंड तक पहुँचने का माध्यम क्या है, फ्लोएम। एक कोशिका से दूसरी कोशिका से होते हुए अंततः फ्लोएम की चालनी नलिका कोशिका, चालनी नलिका कोशिका में शर्करा पहुंचती है, इसे कहते हैं सीव ट्यूब सेल्स। फ्लोएम की चालनी नलिका कोशिका में पहुंचती है। पत्तियों में निर्मित शर्करा आसपास की कोशिकाओं से होते हुए फ्लोएम की चालनी नलिका कोशिका में पहुंच जाती हैं, और तब चालनी नलिका कोशिका अपने आसपास स्थित जाइलम कोशिकाओं से जल का अवशोषण करती हैं। ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि चालनी नलिका कोशिका में शर्करा आ जाने से इनका सांद्रता बढ़ जाता है। शर्करा आने से इनकी सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी इनका जो कोशिका द्रव्य है वो अति पराशरी हो जाता है। तो अति पराशरी हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, तो इसको जल चाहिए, तो जल के लिए ये आसपास की जाइलम कोशिकाओं से जल का अवशोषण करके फूल जाती हैं। जब ये चालनी नलिका आसपास की कोशिकाओं, जाइलम कोशिकाओं से जल लेकर फूल जाती हैं, यानी स्फीत दशा में आ जाती हैं, तो इन पर एक प्रेशर लगता है जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है, टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब। और इसकी वजह से ये, इसकी जो प्रेशर जो पड़ता है उसकी वजह से इसका, इसके अंदर का रस यानी जल और शर्करा ये एक कोशिका, एक चालनी नलिका से दूसरी चालनी नलिका में स्थानांतरित हो जाती है। इसी तरीके से जब इस चालनी नलिका में शर्करा पहुंचता है तो यह अति पराशरी हो जाता है, तो ये आसपास की जाइलम कोशिकाओं से जल का अवशोषण करके फूल जाता है। अब इस कोशिका का स्फीति दाब बढ़ जाता है, जिससे इससे जल शर्करा के साथ आता है दूसरी कोशिका में,
यानी जल ही एक कोशिका एक चालनी नलिका से दूसरी नलिका में जाता है, लेकिन जल के साथ साथ वह शर्करा भी घुलित अवस्था में ट्रांसफर हो जाता है। एक कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी और इसी तरह से होते हुए पौधे के समस्त भागों तक खनिज नीचे ऊपर किसी भी दिशा में पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसको एक प्रयोग करके समझाया था मुंच ने कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से पत्ती में निर्मित शर्करा पौधों के अन्य भागों तक जाती है। मुख्य रूप से आप इतना भी जानेंगे कि पत्ती में जो शर्करा का ग्लूकोज का निर्माण होता है वो शर्करा में परिवर्तित होता है। शर्करा बनने के कारण इनकी कोशिकाएं अतिपरासरी हो जाती हैं, आसपास से जाइलम कोशिकाओं से जल का अवशोषण करके फूल जाती है, जिससे इनके स्फीति दाब बढ़ जाता है। स्फीति दाब बढ़ने से इस कोशिका से जल निकलता है, दूसरी कोशिका में जाता है, तो जल के साथ साथ शर्करा भी ट्रांसफर हो जाता है। अब इसी तरीके से एक कोशिका से दूसरी कोशिका से होते हुए या स्रोत से यानी पत्ती से जड़, तना, अन्य कुंड भागों तक पहुंच जाता है। ठीक, अब इसी के परिपेक्ष में मुंच ने एक प्रयोग किया था, वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल आप इतना पहले लिखेंगे कि दाब प्रवाह परिकल्पना क्या होता है, लिखेंगे इसे। मुंच ने 1927 में दिया था, लिखेंगे स्रोत से कुंड की ओर शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक स्वीकृत क्रियाविधि को दाब प्रवाह परिकल्पना कहते हैं। आगे लिखेंगे, जैसे ही स्रोत पर शर्करा यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है वह शर्करा में बदल जाता है। इसके बाद यह शर्करा आसपास की कोशिकाओं में तथा फिर सक्रिय परिवहन द्वारा फ्लोएम की चालिनी नलिका कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। आगे लिखेंगे, स्रोत पर लदान की यह प्रक्रिया फ्लोएम में एक अतिपरासरी अवस्था को विकसित करता है, यानी इस समय फ्लोएम की कोशिका अतिपरासरी हो जाती है। अगली लाइन से लिखेंगे कि निकटवर्ती जाइलम से जल आसपास की चालिनी नलिका कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती हैं, इससे फ्लोएम में परासरणी दाब बनता है, जिससे यहाँ से फ्लोएम रस यानी जल और शर्करा दोनों, फ्लोएम रस को क्या कहते हैं, जल और शर्करा, फ्लोएम रस उच्च परासरणी दाब से निम्न परासरणी दाब यानी एक चालनी नलिका से दूसरी चालनी नलिका जिसके पास परासरण दाब कम है उधर की तरफ जाता है। यानी आप लिखेंगे कि इससे चालनी नलिका में परासरणी दाब बढ़ता है, जिससे फ्लोएम रस उच्च परासरणी दाब से निम्न परासरणी दाब की तरफ गति करता है। आगे लिखेंगे, एक बार फिर से फ्लोएम की कोशिका से शर्करा को अलग करने तथा उस कोशिका तक जहां शर्करा का ऊर्जा स्टार्च या ग्लाइकोजन में परिवर्तन होना है तक ले जाने के लिए सक्रिय परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। आगे लिखेंगे, जैसे ही शर्कराएं घटती हैं परासरणीय दाब घटता है तथा फ्लोएम से जल बाहर निकल जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे, फ्लोएम शर्कराओं का परिवहन स्रोत से शुरू होता है जहां शर्कराओं को एक चालनी नलिका कोशिका में सक्रिय परिवहन द्वारा लादा जाता है। आगे लिखेंगे, फ्लोएम की यह लदान एक जल विभव प्रवणता की शुरुआत करता है जो कि फ्लोएम में सामूहिक प्रवाह को सुगम बनाता है। ये सारी लाइनें आपके एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, कुछ छूटता है तो आप वहां से लिख सकते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, फ्लोएम ऊतक चालनी नलिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो लंबी स्तंभ की रचना करता है जिसकी अंतिम भित्ति में छिद्र होता है जिसे चालनी पट्टिका कहते हैं। कोशिका द्रव्य तंतु चालनी नलिका पट्टिका के छिद्र में प्रवेशित होती हैं तथा सतत तंतु यानी कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट या ट्यूब बनाती हैं। आगे लिखेंगे, जैसे ही द्रव स्थैतिक दाब फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में बढ़ता है दाब प्रवाह शुरू हो जाता है जिससे फ्लोएम रस फ्लोएम से चलना प्रारंभ करता है। कुंड पर पहुंचने पर शर्करा को फ्लोएम से सक्रिय परिवहन द्वारा ग्रहण किया जाता है। फ्लोएम में विलेय की कमी होने पर जल विभव पैदा होता है जिससे फ्लोएम से जल निकल कर जाइलम में पुनः वापस आ जाता है। बस ये हो गया दाब प्रवाह परिकल्पना। अब जो मुंज ने परिकल्पना जो प्रयोग करके बताया था उसके बारे में हम समझेंगे। आइए समझते हैं दाब प्रवाह परिकल्पना को मुंज के प्रयोग से। मुंज ने प्रयोग करके बताया, उन्होंने लिया क्या, दो अर्धपारगम में झिल्ली से बनी बल्ब, दो अर्धपारगम में झिल्ली से बनी बल्ब ए व बी लिया। ठीक है, ए और बी को लिया, ये दोनों अर्धपारगम में झिल्ली से बनी हुई बल्ब हैं। इन दोनों को एक यू ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक उल्टे यू ट्यूब से कनेक्ट कर दिया और इन दोनों बल्बों को ए डैश वेसल्स में और बी डैश वेसल्स में
यानी ए डैश और बी डैश बीकर में रखा, ठीक है। इन्होंने दो बीकर लिया जो कि कनेक्टेड हैं, जो कि संबंधित हैं नली टी से। देखिए ये जो नली है, इस नली को हम कहेंगे टी नली, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ टी नली। तो दो बीकर जो कि संबंधित हैं नली टी से, ए डैश व बी डैश लिया, ठीक है। ए डैश और बी डैश लिया, इन दोनों बीकरों में जल भरा हुआ है। दोनों बीकरों में क्या है, जल भरा हुआ है H2O। इन्होंने क्या किया मुंच ने, कि जो ए सेल है बल्ब ए, उसमें इन्होंने शर्करा ऐड कर दिया। उन्होंने इसमें शर्करा अणु भर दिया, यानी चीनी का घोल, गाढ़ा चीनी डाल दिया इसमें, और यहाँ पर इन्होंने जल भर दिया। बी में इन्होंने जल भर दिया। अब होता क्या है, तो चूंकि यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली होने के कारण शर्करा के अणु बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन जल के अणु अंदर जा सकते हैं। तो चूंकि इसमें क्या है, गाढ़ा सांद्रता ज़्यादा है, विलयन की सांद्रता ज़्यादा है, यानी जल की मात्रा कम है, तो यहाँ पर जल ही जल है इसके चारों तरफ। तो जल कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। इसके अंदर जल प्रवेश करते हैं, H2O की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इसमें एक स्फीति दाब पैदा होता है। जल के अंदर प्रवेश होने पर स्फीति दाब पैदा होता है, जिसके कारण जल ऊपर की तरफ बढ़ता है। जल ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जल के ही अणु ऊपर जाते हैं, यहाँ पर जल के साथ साथ शर्करा के अणु भी जाते हैं, ठीक है। यानी शर्करा भी तो जल में घुल गई, तो जब शर्करा इसमें बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है, आसपास से जल इसके अंदर पहुँचने लगता है। ये क्रिया आपको बताई गई है, इसे हम परासरण कहते हैं। और परासरण के माध्यम से जब जल अंदर प्रवेश करता है, तो इससे इसकी स्फीति दाब बढ़ जाती है, जिसके कारण जल ऊपर की तरफ बढ़ता है। चूंकि कुछ जल शर्करा में घुल जाते हैं, इसलिए जल और शर्करा दोनों ही आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पहुँचता है, बी सेल में, बल्ब बी में। अब बल्ब बी में जब शर्करा पहुँचा और जल पहुँचा, तो इससे इसकी स्फीति दाब बढ़ गई। इसकी स्फीति दाब बढ़ने की वजह से देखिए ये प्रक्रिया तब तक होती रहती है, यानी इसमें जल उठकर तब तक इसके बी सेल में जाता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रता बराबर ना हो जाए। अब जब ये जल और शर्करा यहाँ पर बी में पहुँचा, तो इससे चूंकि इसमें पहले से ही जल उपस्थित था, अब और जल आ गया, तो इससे इसकी जल की मात्रा बढ़ जाती है, इससे इसमें उपस्थित जो जल है वो बाहर निकल आता है। और फिर ये जल जो टी कनेक्टेड टी से बीकर ए में प्रवेश करता है, ए डैश में प्रवेश करता है। यह तंत्र तब तक चलता रहता है, जब तक कि दोनों की विलयन की सांद्रता बराबर ना हो जाए, यानी शर्करा की मात्रा यहाँ पर और यहाँ पर बराबर ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। अब अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो हम क्या करेंगे, इसमें शर्करा और ऐड करते रहेंगे, तो जितना शर्करा ऐड करेंगे उतना ही प्रक्रिया चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। तो इसी के अनुसार मुंच ने समझाया, क्या कहा उन्होंने, ए को मान लिया पत्ती और इस यू ट्यूब को मान लिया चालनी नलिका कोशिका, और बी बल्ब को इन्होंने कुंड के रूप में जड़ माना। जड़ क्या हो गया, कुंड, और पत्ती क्या हो गया, स्रोत। और आपको यही समझना है कि स्रोत से शर्करा कैसे कुंड तक जाता है। इन्होंने टी को माना चाइलम। अब समझिएगा, अब इनके अनुसार इनका कहना बहुत सही था, इसी नाते दाब प्रवाह परिकल्पना सबसे ज़्यादा मान्य मत है। मुंच ने कहा कि ए को अगर हम पत्ती मानते हैं, तो पत्ती में शर्करा निर्मित होती रहती है, और शर्करा या पत्ती के आसपास जो जाइलम की कोशिकाएं हैं उनसे जल इसमें आता रहेगा, क्योंकि इसमें शर्करा बन रहा है। शर्करा बनने का कारण इस अतिपराशरी हो जाएगा, और अतिपराशरी में जल हमेशा अंदर की तरफ जाएंगे। इसमें जल की मात्रा अधिक होने पर यह जल के कारण स्फीति दाब प्रवाह उत्पन्न होता है, और उस स्फीति दाब से जल ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी चालनी नलिका कोशिका में दबाव पड़ता है, जिससे चालनी नलिका कोशिका इस जल और शर्करा को लेकर कुंड तक जाती है, यानी जड़ तक जाती है। और जड़ में पहले से ही जल उपस्थित था, क्योंकि जल खींच रहा है, तो यहाँ पर शर्करा पहुँचा, इसमें पहले से जल उपस्थित था, और जल इसमें आ गया, इससे जल निकल कर जाइलम की कोशिकाओं से फिर ऊपर पहुँच जाता है। ये घटना तब तक चलती रहती है जब तक कि पत्ती में शर्करा का निर्माण होता रहता है। यह परिकल्पना प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से पत्ती यानी स्रोत से शर्करा चलकर
कुंड तक पहुंचती है। बस यही कहलाता है मंच का प्रयोग। तो आप अगली लाइन से लिखेंगे हेडिंग डाल के दाब प्रवाह परिकल्पना ब्रैकेट में मंच का प्रयोग, और इसमें लिखेंगे मंच ने इस परिकल्पना को समझाने के लिए एक भौतिक प्रयोग किया जिसे दो बल्ब प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोग के लिए मंच ने दो अर्धपारगम्य झिल्ली से बने बल्ब ए और बी लिया। ये दोनों बल्ब एक उल्टी यू की बनी नली के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ दोनों बल्ब ए और बी परासरण तंत्र की तरह कार्य करते हैं। आगे लिखेंगे बल्ब ए में शर्करा की अधिक सांद्रता वाला घोल तथा बल्ब बी में जल भरा जाता है। फिर आगे लिखेंगे बल्ब ए को बीकर ए डैश में तथा बल्ब बी को बीकर बी डैश में रखते हैं। दोनों बीकर ए डैश और बी डैश एक दूसरे से टी नली द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। लिखेंगे कुछ समय पश्चात बल्ब ए में जल बीकर ए डैश से प्रवेश करने लगता है, जिससे बल्ब ए में स्फीति दाब यानी टर्गर प्रेशर उत्पन्न होता है, जिससे बल्ब यू उल्टे यू आकृति की नली के द्वारा बल्ब बी में प्रवेश करने लगता है। जल के इस स्थानांतरण के साथ साथ शर्करा के अणु भी बल्ब ए से बल्ब बी की ओर गति करने लगता है। आगे लिखेंगे बल्ब बी में पहले से ही जल उपस्थित होता है और अब बल्ब ए से और अधिक जल तथा शर्करा अणु के आने से इसमें एक दाब उत्पन्न होता है, जिससे बी बल्ब से जल निकल कर बी डैश बीकर में चला जाता है। चूंकि दोनों बीकर टी नली द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, अतः जल बी डैश से बीकर बी डैश की तरफ गति करने लगता है। देखेंगे शर्करा अणुओं का बल्ब ए से बल्ब बी की तरफ स्थानांतरण तब तक चलता रहता है जब तक दोनों तरफ इनकी सांद्रता बराबर ना हो जाए। अगर आगे लिखेंगे यदि किसी प्रकार से बल्ब ए में शर्करा लगातार डाली जाती रहे तथा बल्ब बी से शर्करा निकाली जाती रहे, तो शर्करा अणुओं का स्थानांतरण निरंतर बना रहेगा। अगले लाइन से लिखेंगे मुंच ने बल्ब ए की तुलना पौधों की पत्तियों से की है, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता रहता है। इस प्रकार पत्तियों में खाद्य पदार्थों यानी भोज पदार्थों की सांद्रता पौधों के अन्य भागों से अधिक होती है। लिखेंगे पत्तियों में निर्मित या खाद्य पदार्थ फ्लोएम की चालनी नलिका कोशिका, ब्रैकेट में लिखेंगे मुंच ने इसकी तुलना उल्टे यू नली से की द्वारा ब्रैकेट क्लोज द्वारा जड़ तक, ब्रैकेट में लिखेंगे मुंच ने जड़ की तुलना बल्ब बी से की ब्रैकेट क्लोज तक पहुंचाई जाती हैं। आगे लिखेंगे जड़ों में पहुंचकर या शर्करा या तो श्वसन में प्रयोग कर ली जाती हैं या फिर इन्हें स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। लिखेंगे जड़ों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण होता रहता है, इसलिए यहाँ पर जल की अधिकता रहती है। जहाँ जल जड़ों की जाइलम वाहिकाओं द्वारा, ब्रैकेट में लिखेंगे मुंच ने जाइलम वाहिकाओं की तुलना टी नली से की ब्रैकेट क्लोज पुनः पत्तियों को पहुंचाया जाता है। जहां इसकी कुछ मात्रा का प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है तथा अधिकतर मात्रा वाष्पोषण के द्वारा वाष्प के रूप में निकाल दी जाती है। लास्ट लाइन लिखेंगे मुंच ने बीकर ए डैश की तुलना पत्तियों के जाइलम पैरेन्काइमा से की तथा बीकर बी डैश की तुलना जड़ों की जाइलम पैरेन्काइमा से की थी। बस ये था आज का आखिरी टॉपिक इस अध्याय का, और उम्मीद है कि ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से मुंच ने बताया कि स्रोत से कुंड तक शर्करा का स्थानांतरण कैसे होता है। यहाँ पर कुछ बातें याद रखने वाली हैं कि जो फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरण होता है वो बहुदिशात्मक होता है, दूसरा सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है, जबकि जो जाइलम होता है उसमें जल का स्थानांतरण निष्क्रिय रूप से, जबकि खनिज आयनों का स्थानांतरण सक्रिय रूप से एक दिशात्मक होता है। बस इसी के साथ यह अध्याय पूरी तरीके से समाप्त होता है। अगला अध्याय जो भी होगा वो जल्दी शुरू किया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप जरूर दें। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से या जल से। दूसरा, जाइलम द्वारा खनिज आयनों का अवशोषण या परिवहन निष्क्रिय परिवहन कहलाता है या सक्रिय परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब प्रवाह परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको देना है। आगे जो भी चैप्टर होगा जल्दी शुरू किया जाएगा, तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।